गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. आई एम योर हिंदी टीचर पल्लवी. स्टूडेंट्स, आपको बेटा मैंने कल जो फर्स्ट वीडियो भेजा था राजा की उदारता, आप लोगों ने उसे पढ़ा और आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे तरह से समझ लिया. मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप उसको रेट कर लीजिए. आई होप सभी बच्चों ने किया होगा. बच्चे, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजा की उदारता कितनी अच्छी थी और कैसी थी. उसकी प्रजा जो थी उससे खुश थी या नहीं. और राजा तो बेटा कई तरह के होते हैं, निर्दयी भी होते हैं, दयालु भी होते हैं. तो ये जो सत्यजीत राजा थे ये कैसे थे और इसके जो भाई आए वो कैसे थे. और चलिए हम इसको समझाते हैं बेटा कि इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है, राजा की उदारता इस कहानी का नाम क्यों पड़ा. तो जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, इसका निष्कर्ष भी निकल जाएगा कि राजा की उदारता कहानी का नाम क्यों पड़ा. तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं. आपको पढ़ते, आपके साथ में पढ़ते जाते हैं और आपको समझाते जाएंगे, ठीक है. चलिए बेटा अब हम आपको समझा देते हैं. कल मैंने आपको इसका वन पार्ट समझाया था, राजा की उदारता, ठीक है बेटा. ये आपका लेसन 13 है, राजा की उदारता, क्लास 5 की बुक है. तो देखिए बेटा अभी ये जो मैंने अभी पेज आपको खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पेज मैंने आपको समझा दिया कि सत्यजीत नाम का एक राजा था, वो बहुत ही दानवीर था और सारी जनता उनसे, जो प्रजा थी वो बहुत ही खुश रहती थी. बट कुछ सामंत ऐसे थे जो उसके दान करने के कार्य से बिल्कुल खुश नहीं थे और वो जरा सा भी उसे पसंद नहीं करते थे. और उन्होंने सोचा कि ये कैसे, मतलब इनका, इनको हम लोग ऐसा कुछ करें कि ये ऐसा करना कम कर दें और इनको राज की गद्दी से हम हटा दें. तो उन्होंने प्रसेनजीत जो राजा का छोटा भाई था उसको अपने में शामिल करके और राजा को कुछ ऐसा किया कि राजा को राजगद्दी से हटा दिया गया. तो चलिए बेटा अब हम आपको इसके आगे कहानी समझाते हैं. देखिए बेटा मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था, है ना, कि उन्होंने मिल करके राजा को कुछ ऐसा किया और उनको गद्दी से हटा दिया. और फिर ऐसे उन्होंने एक, मतलब एक वहाँ पर एक कवि आए जो बहुत ही मतलब सत्यजीत के प्रशंसकों में से एक थे. वो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया कि केले की जड़ को इस आकार में उसने काटा जैसे कि राजा जो प्रसेनजीत था वो घोषणा करवा दिया था कि जो भी व्यक्ति सत्यजीत का सिर काट कर लाएगा उसको 1,00,000 रुपये पुरस्कार में दिए जाएंगे. यहाँ तक मैंने आपको समझाया था. तो वो जो कवि आया वो उसने एक केले की पेड़ जड़ को इस प्रकार से काटा और छाटा कि और उसमें रंग भर दिए, नाक, आँख, होठ वगैरह सारी चीज़ बना दिए. उसे कोई भी नहीं पहचान सकता था कि ये असली है या नकली. और उसे एक कपड़े में लपेट करके प्रसेनजीत के दरबार में ले गया. यहाँ तक मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया बेटा. अब चलिए इसके आगे की कहानी हम समझाते हैं आपको. देखिए यहाँ से है, उसने दरबार में जाकर राजा से प्रार्थना की कि महाराज मैं एक कवि हूँ. राजा सत्यजीत तो अपनी दानशीलता के लिए जग प्रसिद्ध थे. चूँकि मैं बहुत गरीब हूँ इसलिए आपकी घोषणा को सुनकर अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ. क्योंकि राजा ने घोषणा करवा दी थी ना कि जो भी सत्यजीत राजा का सर लेकर के आएगा, कटा हुआ सर लेकर आएगा, उसको मैं 1,00,000 रुपये दूंगा. तो ये बहुत चालाक था, तो इसने कुछ ऐसा किया. तो वो राजा के पास आके कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए आपके पास आया हूँ कि मुझे 1,00,000 रुपये मिल जाए और मैं आपके राजा जो सत्यजीत थे उनका सर काट करके लाया हूँ. तो सुनिए आगे बेटा, मैंने आपके बड़े भाई अर्थात राजा सत्यजीत से कुछ मांगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो तुम्हें इस समय धन नहीं दे सकता, परंतु यदि तुम मेरा सिर काट कर ले जाओ. और सुनिए यहाँ पर इस बातों पे आप बेटा ध्यान दीजिएगा कि राजा, ये जो कवि था वो बोल रहा है प्रसेनजीत से कि मैंने आपके बड़े भाई राजा सत्यजीत से कुछ मांगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो तुम्हें इस समय धन नहीं दे सकता, क्योंकि भाई राजा के पद से तो उसे हटा दिया गया था. हाँ, परंतु यदि तुम मेरा सिर काट कर ले जाओगे अगर मेरे छोटे भाई के पास, तो राजा प्रसेनजीत को तुम मेरा कटा हुआ सर दिखाओ तो वह अवश्य ही तुम्हें प्रसन्न होकर तुम्हें पुरस्कार में 1,00,000 रुपये दे देंगे. तो राजा प्रसेनजीत ने खुद कहा, ऐसा उसने कहा प्रसेनजीत से, लीजिए मैं उनका सिर काट, अब आप अपने वचन का पालन कीजिए और मुझे पुरस्कार के बदले में 1,00,000 रुपये दीजिए, दिलवा दीजिए. यह कर कवि ने राजा को अपनी गठरी से दिखाई,
ऐसे गठरी में लिया हुआ था, गठरी से दिखाई। राजा प्रसेनजीत ने जब अपने बड़े भाई सत्यजीत का कटा हुआ सिर देखा तो उसे अपने सामंतों पर बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उन्हीं की सलाह पर उसने यह घोषणा करवाई थी। अब उसे अपने बड़े भाई की दानशीलता पर बड़ा विश्वास हुआ कि साथ ही वह और ग्लानी भी हुई। ग्लानी में बेटा उसको बहुत पश्चाताप हुआ, वो बहुत मतलब अपने आप को बहुत सोचा कि मैंने इतना गलत काम कैसे कर दिया, और पश्चाताप से भरकर फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर कवि ने उनसे रोने का कारण पूछा। राजा ने कहा, मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया, मैं इन सामंतों के उकसाने पर ही अपने बड़े भाई की ऐसे दुर्दशा कर डाली। वो इतना गंदा तो था नहीं, लेकिन सामंत जो थे उसे उकसा दिए थे, तो उसने ऐसा काम कर दिया। जनता भी मुझे पसंद नहीं करती और अपना भाई भी मैंने खो दिया। कवि ने जब प्रसेनजीत का हृदय परिवर्तित होते हुए देखा, जब उसका हृदय परिवर्तित हुआ ना कि वो कठोर से दयालु जैसे एकदम रोने लगा, तो जब उसका हृदय परिवर्तित हुए देखा तो उसने कहा, राजन अगर मैं आपके बड़े भाई को पुनर्जीवित कर दूं, पुनर्जीवित मतलब फिर से जिंदा कर दूं, तो क्या आप उनको उनका राज्य दे देंगे? तो प्रसेनजीत ने कहा, जरूर दे दूंगा, पर अब क्या यह संभव है? उसने पूछा। यह कहते हुए प्रसेनजीत कवि के पैरों पर गिरकर रोने लगा। कवि ने कहा, राजन आप मेरे साथ वन में चलिए, है ना, उसने बोला आप मेरे साथ वन में चलिए, मैं मंत्रों की शक्ति से आपके बड़े भाई को जीवित कर दूंगा। फिर यह कहकर कवि प्रसेनजीत को अपने साथ वन में उस स्थान पर ले गया जहां सत्यजीत रहता था। बड़े भाई को जीवित देखकर राजा प्रसेनजीत की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने सत्यजीत के पैरों पर गिरकर उनसे माफ़ी मांगी। सत्यजीत फिर से सिंहासन पर बैठा और उसने दुष्ट सामंतों को कड़ा दंड दिया। कवि का खूब आदर सत्कार किया गया और जनता में फिर से अपने प्रिय राजा को पाकर खुशी हो गई। खूब खुश हो गए जनता कि वह फिर से राजा लौट आया। तो बेटा देखिए, भड़काने वाले और गलत काम करवाने वाले बहुत लोग मिलते हैं। अगर आप बुरी संगत में रहेंगे बेटा तो बुरी संगत में का नतीजा भी बुरा ही होता है। इसलिए हम लोग भी कहते हैं, आपके पापा मम्मी भी कहते हैं कि बेटा अच्छे लोगों से आप दोस्ती कीजिए, अच्छे संगत में रहिए, अच्छे लोगों का साथ अगर आपके साथ रहेगा तो आप कभी भी बुराई के मार्ग पर नहीं जाएंगे। तो बेटा आप लोग भी मुझसे वादा कीजिए कि आप भी हमेशा और हमेशा अच्छे बच्चों के साथ में रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जो बच्चा गंदी बात करता है या फिर गंदा काम करता है, आप तुरंत उसका कंप्लेन करिए, ताकि वो बच्चे भी अभी तो बहुत छोटे हैं, वो बच्चों को संभलने में अभी बहुत टाइम है ना। तो अगर पहले से ही पता चल जाएगा तो वो बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो बेटा आप अगर बुराई का साथ देंगे तो बुरे बनेंगे, अच्छाई का साथ देंगे तो अच्छे बनेंगे। तो हमें हमेशा किसका साथ देना चाहिए? अच्छे का। वेरी गुड। तो चलिए बेटा, आपको ये आज आपका ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया बेटा। और आपको अगर कहीं से कोई दिक्कत प्रॉब्लम लगेगी, कहीं कोई लाइन नहीं समझ में आएगी, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।